रणवीर को देखकर सर्कस मूवी का याद आ गया और उनकी लास्ट 3-4 मूवी फ्लॉप हो चुकी है। देखते हैं इस बार क्या कमाल करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शिका फॉर यू। आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ऑफिशियल टीजर पर, स्टारिंग रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट। इनकी जोड़ी तो कमाल की लगती है मुझे और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी है, एक दूसरे को सखी जो कहते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह का केमिस्ट्री है इसमें। टीजर तो काफी जबरदस्त है गाइस, टीजर देखकर तो यही लग रहा है कि ये मूवी फुल ऑन फैमिली ड्रामा और लव स्टोरी है। रणवीर को देखकर सर्कस मूवी का याद आ गया और उनकी लास्ट 3-4 मूवी फ्लॉप हो चुकी है। देखते हैं इस बार क्या कमाल करते हैं। काफी बड़े बड़े स्टार्स हैं और करण जौहर की मूवी है तो सेट्स और लोकेशंस तो काफी अच्छा होगा। डायरेक्शंस भी काफी अच्छा लग रहा है, वो पूजा वाला सीन ही देख लो, पूरा रेड सेटअप किया हुआ था जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री तो लाजवाब है, भले वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो। इन दोनों की केमिस्ट्री हम ऑलरेडी गली बॉय में देख चुके हैं। ये जोड़ी तो काफी धमाल मचाने वाली है, टीजर देखकर तो बहुत अच्छा वाइब आ रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया है इस फिल्म को लेकर। कुछ मूवी एक अपना छाप छोड़ जाती है, जैसे कुछ कुछ होता है, कभी अलविदा ना कहना, कभी खुशी कभी गम, ऐसे मूवी जो हर कोई जानता है, तो हो सकता है ये मूवी भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए। ये मूवी में जबरदस्त फैमिली ड्रामा, इमोशंस, लव स्टोरी और बेस्ट म्यूजिक होगा। तो देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ेगी या नहीं ऑन 28 जुलाई 2023। तो गाइस होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।